अल्लाह ने आज तो दिखाई है ना अल्लाह ताला। अली को बुलाओ, पहुंचाओ अली आओ। फिर मैं हाथी के दरमियान में मैं ठीक कराया। नायला आप ही आगे आओ। आज उम्र पे जा रहा हूँ, कल पे जाना है। मिठाई खिलाओ। चुप हो जा। ये तुम्हारे फिलेट की तरफ से लिए यार। कोई नहीं, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हरम को मत छूना एहराम की हालत में, ये मत कर, क्योंकि हरम में खुशबू। फातिमा आगे से हटो। कांग्रेचुलेशन अदनान मीता, देखो दोनों पर, तीनों चारों पर आया हुआ। ओके डन कर दूं। अली भाई अल्लाह के रहने दे फातिमा। इसको मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं गाइस, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा, मतलब मुझे इतनी जल्दी बुलावा आ जाएगा और मैं उम्रे पे चली जाऊँगी। तो गाइस मैं उम्रे पे जा रही हूँ और आज वो रात है जो ना सोया जा रहा है और ना नींद आ रही है। जी ओ मेरा बेटा, काश के तुम भी चलते मेरे साथ। तो बच्चे तो नहीं जा रहे मेरे साथ। अगले महीने जाओगे इंशाल्लाह। और मैं अपने बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ, बस मैं और अली जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेके जाएंगे तो मतलब कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, मतलब बाहर के मुल्क ही हम पहली दफ़ा जा रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि मतलब कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बहुत, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये चीज़, आप लोगों को बताऊँ कि मैं जा रही हूँ। और मैंने बहुत अर्जेंटली सब कुछ हुआ, मैंने तैयारी अपनी करी जैसे भी जिस भी तरह हो सके जल्दी जल्दी। और इंशाल्लाह मैं आपको अली की भी रिएक्शन दिखाती हूँ कि मतलब मेरा तो हाल अभी, मतलब मैंने बच्चों के साथ लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो यार मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब्दुलरहमान मम्मा को मिस करोगे? हाँ वीडियो कॉल करोगे? तंग तो नहीं करोगे ना किसी को यहाँ पे? अब मुझे टॉयज की भी कॉल करना। हाँ जब टॉयज ले रही होंगी ना तब मैं आपको कॉल किया करूँगी। सही है जा, ठीक है। और आपके लिए भी क्या करूँ टॉयज के लिए कॉल? हाँ अब्बा दो मम्मा को किसी दो। वाह मेरी जान। तो गाइस हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इधर भी देखे ना नन्ना, चले चले पहना भी नहीं। चले हो गई तस्वीर तुम्हारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से एयरपोर्ट के लिए, बस आप लोग भी दुआ करें हम लोग खैर खैरियत से पहुँचे एयरपोर्ट। फिर उसके बाद इंशाल्लाह सुन्नत नबी अदा करें, अल्लाह का घर देखें, ऐसा ही है। और मेरे साथ हैं, सॉरी मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब, इधर देखिएगा मुझे। तो ये मेरी फैमिली है, मेरे वालिद मेरे वालिदा, और इसको तो तुमने
जानते ही हो। पीछे मेरे भाई बहन आ रहे हैं वो अलग गाड़ी में, क्योंकि एक गाड़ी में माशाल्लाह हम सब हेल्थ के थे तो एडजस्ट नहीं हो सके ना, इसीलिए तो हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो जी फाइनली वी आर एट एयरपोर्ट और एयरपोर्ट आ गए, सब कुछ हो गया हमारा। तो घर पे थी, घर पे बहुत सारे मेहमान थे, सब कुछ था, तो इसीलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो बच्चे हर जगह होते पर मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आए हुए बच्चों को छोड़े हुए 2 घंटे में, बट आई एम मिसिंग माई सन्स और सन्स, 2 सन तो दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं और हमारी फ़्लाइट 10 बजे की थी जो कि डिले हो गई है, अब है 12:55 पे। तो हम लोग 3 घंटे यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव नो आइडिया फॉर इट। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अली क्या यार यहाँ से रोशनी, यहाँ से बहुत तुम्हारा फेस ब्लर आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आओ। चलो जब तक हम जरा अली से बात करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक जान। जज़ाकअल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हाँ थैंक यू सो मच। कैसी कैसी चेहरे पे नूर आ गया है माशाल्लाह। अच्छा मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? मैं कह रहा हूँ आप हिजाब ही रखिएगा, मजाक चल के बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह पाक मेरे बच्चे बचाए। जबकि अभी तक कोई क्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल फेस है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी 3 घंटे हमारी फ्लाइट डिले है और बैठ के यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं क्या, मुझे खुद नहीं पता। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आप मुझे वॉशरूम आ रहे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं तो खुशी कौन सा, ये कहीं नहीं जाता मुझे याद है, हमारा सारा माल उधार ये चला गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम आप लोगों को जैसे जैसे कुछ कुछ होता जाएगा अपडेट देते जाएंगे। और ना मेरी आँख मुझे लग रहा है बहुत दुख रही है, कहीं दुखने ना आ जाए। अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छी जगह जा रही है, सब बेहतर होगा। सही है, कुछ देर बाद लगता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो जो आपको अपडेट देने वाली थी वो तो सो चुकी है, तो थक गई है बेचारी, अब सोने दें इसको थोड़ा सा, या उठा दें। वैसे 1 घंटा हो गया सोते सोते, इसको बहुत देर हो गई है, उठ ही नहीं रही है। और फ्लाइट हमारी पता ही आपको लेट हो चुकी है। ओ उड़ गई वीवो, ग्लासेस लगा के कौन सोता है वीवो? ये एक नई लड़की जो ग्लासेस लगा के सोती है, इसलिए सो रही है। आप बहुत रोशनी है। असल में हम सायरा सोए नहीं, जरा एक्साइटमेंट, जगह ही ऐसी है, बहुत खुश है, जगह ही ऐसी। अच्छा इतनी खुश हो के सो रही हो? अरे बट इसलिए सो रही हूँ, थक गई हूँ। हाँ सो ही नहीं, हम लोग कल से सोए नहीं जाओ, क्योंकि एक्साइटमेंट थी उम्र की। किस चीज़ का सुकून मिल गया? किस चीज़ का सुकून मिल गया? बस मैं यहाँ तक, एसी चल रहा है इसलिए सुकून मिल गया। यहाँ तक पहुँचना मकसद नहीं है हमारा, मकसद पहुँचना कहीं और है, यू नो जान। हाँ इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो गाइस आप लोग हमारे साथ रहें ताकि हम आपको दिखाएं जो आप लोग देखना चाहते हैं, है ना बीबो? जी, उसकी हम को हर किसी इंसान को, शख्स को उस जगह को देखने की ख्वाहिश है। और राबिया का सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो मेरे साथ उम्रा करे,
यानी अगर वो बाहर का टूर करे तो पहले मेरे साथ सबसे पहले उमरा करे। तो आज अल्लाह पाक ने चाहा मॉरल में गर्म किया तो वो इसका सपना पूरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने मियाँ के साथ उम्र जा रही हूँ, अल्लाह बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। बस तो फिर गाइस अब ये सो रही है इसका सोने में, तो आप लोगों से मिलते थोड़ी देर बाद, है ना भाई, जब तक हमारी फ्लाइट भी आ जाए। तो गाइस ये पूरा बाहर का मंजर है, तो देख लें, सिर्फ हम अकेले नहीं और भी बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ जान, मुझे लगता है कि कुछ खाना पीना आ गया है, बर्गर्स आ गए हैं। हाँ यस जान, अब मुझे लग रहा है तुम पे जान आएगी, है ना। ये अब जान कैमरा फ्रंट पे कैसे होगा, इसको फ्रंट पे करोगी। वो देखो वो सामने बर्गर्स आ गए, अरे वाह खुशबू भी आ रही है। पता नहीं हमें हमारी बारी लगेगी। जी जी जान सबकी लगेगी बारी। देखते हैं हमें अगर मिल जाते हैं। अभी वो बंदा वहाँ से बांटता हुआ आ रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा भी बर्गर आ गया, ऐसा ही वेबो। और मैंने बर्गर के ऊपर का पीस हटा दिया, वो बर्गर बहुत सूखा सूखा देते हैं। हाँ बर्गर था, फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है। अब टोटल पूरे हो जाएंगे वेबो आपके। सबर का पल मीठा होता है, मैंने कुछ भी नहीं लिया था यहाँ से। देखो मैं अपने मियाँ के पैसे बचा ली थी। नहीं नहीं जान पैसे नहीं बचाओ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कुछ खा लो। पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो वो क्या होगी, चलो इंतज़ार भी कर लिया, खाना भी खा लिया, अभी इंशाल्लाह फ्लाइट बस डिपार्चर होने वाला है, फिर आपसे मिलते हैं ना। हमारी फ्लाइट वो खड़ी है ना, अभी दिखा नहीं सकता ना मैं, अभी तो खाने चलते हैं। ओके पहले खाना खा लें, ये लो। तो गाइस दिस इज आवर फ्लाइट और हमारा जहाज आ चुका है। जाना है अली के पास वापस, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना हमारा जहाज टैक्सी वाला, और अब थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। पर जो ये फ्लाइट डिले होती है ना, उसमें आपकी बहुत सवारी होती है। लाइक वी आर वेटिंग फॉर 3-4 hours, और इतनी हालत बुरी हो जाती है। अल्लाह कभी भी आप कहीं पे भी जाए ना, फ्लाइट डिले हो जाए और आप पूरी रात के सोए हुए ना हो, आपकी बैंड बच जाती हो। जैसे इस वक्त मेरी तो पूरी की पूरी बच गई, और मेरे गले में भी दर्द होने लग गया, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसा फीलिंग आ रही है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। तो अभी जैसे हम जाते हैं, पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो जी अब निकल रहे हैं हम, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का हालात हैं। अली कहाँ रुक गए, क्या हो गया? चलो जा रहे हैं। नहीं तो हालत बहुत जो है ना, बहुत नींद वाली हो गई है। नहीं है उसे दिखाने जो है एक मिनट अच्छा बन गया, तुम समझ गए ना क्या था वो। अब जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम बताते हैं, बल्कि चलते हैं साथ साथ, क्या बताते हैं। गेट नंबर 582। अब यार यहाँ से चलो ना, आ जाओ चले सर, पहले आप फिर मैं और फिर हम साथ साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और
बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सारा रोई भी थी। कभी मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहा मतलब व्लॉग बनाने में, फिर भी मैं आप लोगों की मोहब्बत में व्लॉग बना कि आप लोग भी देखें हमारी पहली जर्नी जो हम लोगों ने एक साथ गुजारेंगे, है ना? बिल्कुल। ना हम लोग कहीं फॉरेन ट्रिप पे गए शादी के बाद कभी, हाँ पाकिस्तान में घूमे हैं हम लोग, पाक टूर्स बहुत थे। और मैं चाहती थी जब भी कोई फॉरेन ट्रिप करूँगा मैं तो सबसे पहले मैं मक्का मदीना जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 माय ड्रीम्स कम ट्रू विद माय महरम, मैं जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड कि मैं वहाँ जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने ही वाले हैं, अभी बजे हैं 12:10, है ना? 10 ही मिनट हुए ना, ज़्यादा शुक्र है 10 मिनट हुए और हम लोग पहुँचने हैं अपने जहाज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कोई लड़े चाय दिखाओ अपनी, तमाम मुसाफिरों से आखिरी बार गुजारिश की जाएगी तुम्हारी शक्ल की तरह बोर्डिंग अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड अपने हाथ में रखिए, शुक्रिया। जी तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अपने जहाज में बैठ कर उड़ जाएंगे। तो गाइस हम अब जा रहे हैं, ठीक है, हो रहा हमारा जहाज टिंकड़ेन, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जहाज हो रहा। अब हम सात खैरियत से वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी मेरे पीछे और अभी हम लोग जा रहे हैं तो जी हम लोग आ गए हैं अपनी फ्लाइट में, बैठ गए। ओ कुछ गिरा है, तुम्हारा फोन गिरा है तुमसे बेवकूफ, कुछ हुआ तो नहीं है, बच गया। तो हम लोग आ गए हैं भाई अपनी फ्लाइट पे बैठ गए और आपके पास है जान मेरा ये वाला। तो भाई अली की थी विंडो सीट और मेरी थी बाग सीट, पर मैंने ले ली विंडो सीट, अली को दे दी अपनी सीट। तो इसी के साथ साथ मेरा ये वाला ब्लॉग एंड होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इन्जॉय कीजिए और मुझे दोनों याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अली बहुत खुश है अगेन, आपको उम्रा मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, खैर मुबारक। और आप लोग हमें दुआ में याद रखें कि हम खैर से जाएँ, खैर से वापस आए, अपने बच्चों के साथ वापस आए, वहाँ पर मक्का मदीना देखें, अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल करे और मेरी बेगम साहबा का भी। तो इसी के साथ साथ हम लोग